वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम अभिनव किचन। आज हम बनाएंगे अचारी पनीर। तो आइए हम देखते हैं अचारी पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है क्यूब इस शेप में। 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिया है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। 1/2 कटोरी दही ली है, फ्रेश दही है ये। मसालों में लिया है मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच हींग, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन पेस्ट, नमक, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन रख लिया है गर्म होने के लिए। हमें मसालों को रोस्ट करना है। सबसे पहले हम डालेंगे मेथी, इसके साथ ही धनिया, लाल मिर्च, जीरा और सौंफ। मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। तो अब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट तक रोस्ट किया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और साथ में टमाटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम दोबारा से गैस ऑन करके पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड बना सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है, अब सबसे पहले हम इसमें राई का तड़का देंगे, इसके साथ ही मेथी का, दो मिनट बाद इसमें हम डालेंगे हींग, इसी के साथ ही कलौंजी और अजवाइन। आधे मिनट के लिए इसे भून लेंगे हम। अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटे प्याज, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भूनना है, इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो प्याज अब अच्छे से भून गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट,
मैंने यहाँ अदरक लहसुन को कूटा कूट के रखा है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। इसी साथ इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को हम 5 मिनट और भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे 5 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसे मिक्स कर लेंगे। दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। मैंने टमाटर को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें दही। तो दही डालने के लिए सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगा। अब इसमें हम डालेंगे दही। मैंने गैस की फ्लेम इसी बंद की है ताकि दही हमारी फट ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारी दही डाल देंगे इसमें। तो मैंने यहाँ सारी दही को मिक्स कर लिया है। अब हम दोबारा गैस से ऑन करेंगे। अब इसे दोबारा हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए लगातार। पांच मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ग्राइंड किए मसाले जो हमने रोस्ट किए थे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल बाहर नहीं आ जाता और ये पैन नहीं छोड़ देता। अब आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल बाहर आने लगा है। देखिए इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और साथ में थोड़ा सा आमचूर पाउडर। मैंने 1/2 टेबल स्पून का यूज किया है आमचूर पाउडर का। आमचूर पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे ना डालें। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। मैंने 1 कटोरी पानी का यूज किया है। आप चाहे तो पानी की मात्रा कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी पसंद है। जब हमारी ग्रेवी बॉयल करने लगेगी तो उसमें हम ऐड करेंगे पनीर। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में एक बॉयल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर लेंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाएंगे।
अब हम पैन का कवर खोल के देख लेते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम सर्व करेंगे। तो मैंने पनीर को प्लेट में सर्व कर लिया है, अब इसे हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे हरी धनिया पत्ती ले ली है, साथ में से हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो फ्रेंड्स बन के तैयार है मेरी अचारी पनीर की सब्जी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।